पूर्व आईएएस अधिकारी और नए नए कांग्रेसी बने प्रदीप कासनी के कांग्रेस का हाथ थामते ही कासनी और भाजपा में अब राजनीतिक जंग छिड़ गई है और साथ ही अब इन विरोधियों में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। कासनी ने गुरुग्राम के बाबल भूमि अधिग्रहण मामले पर सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कासनी को ही लपेटे में लेते हुए कहा कि कासनी अब कांग्रेसी हो गए हैं, इसलिए अब वो कांग्रेस की भाषा ही बोलेंगे। अनिल विज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो जिस पार्टी को ज्वाइन करता है वो उसी की जिम जाता है, जबकि इससे पहले कासनी खुद कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाते रहे हैं और उन्होंने भूमि से संबंधित काफी मुद्दे भी उठाए हैं। वहीं प्रदीप कासनी के अशोक तंवर की साइकिल में आस्था जताने के सवाल पर विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने हुड्डा के रथ में आस्था व्यक्त न करके कहीं न कहीं हुड्डा पर प्रहार किया है। नहीं देखिए, अब वो क्योंकि कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं वो कांग्रेस की भाषा बोलेंगे। पहले खुद वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाते रहे हैं और उन्होंने काफ़ी जो भूमि से संबंधित मुद्दे भी उठाए हैं, तो अब उनकी मजबूरी है। नहीं, अब जो जिस पार्टी में ज्वाइन करता है तो वो उसी पार्टी की धुन बजाता है। उन्होंने हुड्डा पर प्रहार किया है और उन्होंने ज्वाइन भी तंवर ग्रुप को किया है, तो आने वाले दिनों में तंवर और हुड्डा ग्रुप की लड़ाई और बढ़ने वाली है और ये और उससे लड़ेंगे आपस में। ये सब एक दूसरे को उतारने में ही लगे हुए हैं और ये जब तक उनको पूरी तरह से धरती में गाड़ नहीं देंगे ये चैन नहीं लेंगे। हिंद एक्सप्रेस के लिए बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।